नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अमेरिका को है पूरी उम्मीद इस साल के अंत तक भारत को मिल जाएगी एनएसजी की सदस्यता। सियोल में हुई बैठक में चीन समेत 7 देशों ने भारत की एनएसजी सदस्यता का किया था विरोध। मिरर का खुलासा, यूरोप से ब्रिटेन के अलग हो जाने पर ISIS खुश, जर्मनी और बेल्जियम को दी हमले की चेतावनी। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई हुमायूं कास्कर की पाकिस्तान में हुई मौत, 7 वर्षों से कैंसर से था पीड़ित। कास्कर को ISI अधिकारियों की सुरक्षा में कराची के कब्रिस्तान में दफनाया गया, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने की पुष्टि। म्यांमार की मस्जिद में बौद्धों ने की तोड़फोड़, छोटे से झगड़े ने लिया सांप्रदायिक रूप, सुरक्षा के चलते मुस्लिमों को पुलिस स्टेशन में लेनी पड़ी शरण। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन का दावा, ब्रेक्सिट के बाद उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका को एक शांत, स्थिर और अनुभवी नेता की जरूरत। अमेरिकी सीनेट के सदस्य बनी सैंडर्स ने कहा, ट्रंप को हराने के लिए क्लिंटन को देंगे वोट। यमन में शिया विद्रोही और सरकार समर्थक बलों के बीच हुई भीषण लड़ाई, 33 लोगों की मौत, सऊदी अरब के नित गठबंधन की ओर से किए गए थे हवाई हमले। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।